यकीन मानिए यह वीडियो देखने के बाद आपको किसी और की वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी। अगर आपके पास कोई भी 5G फोन है, मेरे पास देखो यहां पर एक वीवो का 5G फोन है, तो मैं थक गया। मैंने क्या ट्रिक अपनाई, मैं इसमें जियो का सिम कार्ड लगाया और 5G पहले तो चल रहा था, लेकिन मेरी एक छोटी सी गलती हुई, मैं सिम कार्ड निकाला एक दूसरे फोन में लगाया, उसके बाद में जब लगाया अपने इस फोन में अगेन, फिर 5G नहीं आ रहा था। मैं 5G सेटिंग भी किया, सारा कुछ किया, लेकिन 5G नहीं आ रहा था। लेकिन लास्ट में 5G आया, और आप देख सकते हैं, मैं आपको ऊपर दिखा दूं, यहां पर 5G कनेक्ट है, ठीक है। मैं अगर अपना वाईफाई बंद करता हूं तो अभी आप देखना, आप देख सकते हैं जियो ट्रू 5G, तो 5G मेरा आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा क्या मैं किया था और क्या आप करेंगे कि 5G तुरंत आ जाएगा। सो स्टार्ट करते वीडियो को, लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को एक लाइक कर देना, आप लोग लाइक नहीं करते वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को शेयर भी कर देना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहां पर सबसे पहले आपको कुछ सेटिंग करनी है, अगर 5G नहीं आ रहा है, ठीक है, 5G नहीं आ रहा तो आपको कुछ सेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे यहां पर मेरे पास जियो का सिम कार्ड है, अगर आपके पास वीआई है, वीआई में तो नहीं है, लेकिन एयरटेल है तो एयरटेल में आप माई एयरटेल में जा सकते हैं, वहां पर आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे यहां पर मैं जियो, किधर गया मेरा यार, हाँ इधर माई जियो आप देख सकते हैं, और यहां पर जो मेरा प्लान वो एक्सपायर हो गया, इसकी वजह से मैं वाईफाई कनेक्ट किया हूं। तो सबसे पहले यह जो नंबर है, नंबर के आगे आपको क्लिक करना है, ठीक है, एरो पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको नीचे जाना है, नीचे जाना है, पहला ऑप्शन है चेक 5G, तो आपको यहां पर क्लिक करके चेक कर लेना है। चेक करने से पहले आपको एक सेटिंग कर लेनी है, ठीक है, आपको अपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना है नेटवर्क एंड इंटरनेट में, उसके बाद में जो आपका सिम कार्ड है, किधर गया, इधर क्लिक करना है, और आपको अपने सिम कार्ड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में नीचे नेटवर्क टाइप में आपको 5G सेलेक्ट करना है, जब तक आप 5G सेलेक्ट नहीं करेंगे चलेगा नहीं, तो यह चीज आप ध्यान रखना, आपको सेटिंग से जाके यहां पर चेंज करना पड़ता है। यह चेंज करने के बाद में आप अपने फोन को एक बार रिस्टार्ट कर देना, आपका 5G कनेक्ट हो जाएगा। अगर दोस्तों 5G कनेक्ट नहीं हो रहा है, मतलब आपने सारी सेटिंग कर ली, मेरी तरह मैं परेशान हो गया भाई, थक गया, मैं सारी सेटिंग कर लिया, मैं सिम भी स्वाइप कर दिया, गुस्से में आके सिम भी स्वाइप कर दिया। एक्चुअली जियो वाले अभी कर क्या रहे हैं, अगर आप अपने जियो सिम को अपने डिवाइस में लगा के रखे हैं तो वह लोग डिटेक्ट करते हैं 5G डिवाइस है, 4G डिवाइस है, 5G डिवाइस है तो वह लोग तुरंत 5G एक्टिवेट कर देंगे, आप 5G अनलिमिटेड चलाओ। लेकिन अगर आप यही सिम, यानी अगर मैं यह सिम निकाल के किसी 4G मोबाइल में डाल दूं, तो जो हमारा 5G है वह डीएक्टिवेट कर देते हैं, बंद कर देंगे, 4G के अलावा 5G कनेक्ट होगा ही नहीं। तो बस आपको छोटा सा काम करना है, आपको कस्टमर केयर 198 पे कॉल करना है, जो मैंने किया था, 198 पे कॉल करना, कॉल करके उनको बोलना है कि सर हमारा सिम 5G कनेक्ट नहीं हो रहा है, आप 5G ऑन कर दीजिए। वो लोग डिसकनेक्ट कर देते हैं, ठीक है, 4G पे स्विच कर देते हैं, आप 5G पे स्विच कर दीजिए। बस आपको एक छोटी सी बात करनी है, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको गोल 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 घुमाएंगे, बहुत ज्यादा घुमा देंगे, सर मेरा डिवाइस 5G है तो आप 5G एक्टिवेट कर दीजिए, बात खत्म, इतना बोलना है और आपका 5G एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा 2-4-5 मिनट, उसके बाद में जैसे आप अपने फोन को एक बार बंद करके चालू करेंगे, रिस्टार्ट करेंगे ना, आपका 5G कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। मेरी तरह भाई मैं थक गया यार, परेशान हो गया, सारी सेटिंग करके परेशान हो गया, होगा कैसे, लेकिन सिंपल सा ट्रिक था, तो वह ट्रिक मैंने आपके साथ शेयर कर दी। ट्राई करना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।